चाहे कांग्रेस के विधायक साहब की बात कर रहे हैं या कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात कर रहे हैं, 2018 से 2021 में हम आ गए, इन्होंने कोई भूमि पूजन, कोई शिलान्यास, कोई लोकार्पण का काम आज तक किया नहीं है। और दादा ने अगर कोई काम किया तो उसमें केवल प्रश्न चिन्ह लगाने का काम ये कांग्रेस जब से दादा 2008 में किया है तब से करती आ रही है। मैं आपके माननीय विधायक जी के साथ एक साल पहले संगवा धाम पे कार्यक्रम में था, मैंने उनके भाषण सुने तो मुझे लग ही नहीं जाता कि सत्तापक्ष पक्ष का कोई विधायक भाषण दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज भी कोई विपक्ष का विधायक मंच पर खड़े होकर अधिकारियों को ये कहना चाहता है कि भैया मेरी भी सुन लो। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, आप चाहे कांग्रेस के विधायक साहब की बात कर रहे हैं या कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात कर रहे हैं, 2018 से 2021 में हम आ गए, इन्होंने कोई भूमि पूजन, कोई शिलान्यास, कोई लोकार्पण का काम आज तक किया नहीं है। और दादा ने अगर कोई काम किया तो उसमें केवल प्रश्न चिन्ह लगाने का काम ये कांग्रेस जब से दादा 2008 में किया है तब से करती आ रही है। मैं आपके माननीय विधायक जी के साथ एक साल पहले संगवा धाम पे कार्यक्रम में था, मैंने उनके भाषण सुने तो मुझे लग ही नहीं जाता कि सत्तापक्ष पक्ष का कोई विधायक भाषण दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज भी कोई विपक्ष का विधायक मंच पर खड़े होकर अधिकारियों को ये कहना चाहता है कि भैया मेरी भी सुन लो। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार